गाइस वेलकम टू इंडियन फूडीज। मैं नेहा मिश्रा इंडियन फूडीज में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं मोदक, उखड़ीचे मोदक। ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल डिश है। ये गणपति बप्पा को बहुत ही पसंद है। ये घर घर में मनाया जाता है गणपति बप्पा को बिठा के, तो इसलिए लोग प्रसाद अपने हाथों से बनाते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं महाराष्ट्र की डिश। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बासमती चावल के आटे लिए हैं। इसके मोदक बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये मैंने मेजरमेंट से 250 ग्राम के कप से मैंने नाप के रखा है। ये 1.5 कप के बराबर है। साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है। ये आप अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग रखिएगा, जो आपको पसंद है। मैंने सिर्फ काजू और बादाम डाला है। 2-3 इलायची डाला है, उसको मैंने कूट लिया है। ये मैंने गुड़ लिया है। ये मेरे गुड़ थोड़े गन्ने के हैं, इसलिए ये थोड़े चिपचिपे हैं। आप चाहो तो खजूर के भी बना सकते हैं। खजूर का गुड़ भी अच्छा होता है, उसमें नमक रहता है, तो आप उसमें नमक डालो या मत डालो, लेकिन इसमें नमक आप ज़रूर डालोगे। साथ में मैंने एक नारियल खड़ा लिया है। इसके ब्लैक वाले हिस्से ऊपर के पर्द को मैंने नहीं कसा है, ये मैं सिर्फ वाइट वाला कसी हूँ। थोड़े से नमक है, क्योंकि मेरे गुड़ मीठे वाले हैं, चिपचिपे हैं। खजूर में इसका नमक का इस्तेमाल आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये मैंने थोड़ा सा घी लिया है और इसमें सैफ्रॉन डाला है। तो चलिए बनाते। तो फ्रेंड्स, चावल के अकॉर्डिंग आप पानी भी नाप के डालोगे। ये मैं 3 कप पानी डालती हूँ सीधा। मैं 1.5 कप आटे हैं तो 3 कप पानी डालूंगी सीधे डबल करके। तो ये देखिए मेरे 3 कप पानी पड़ गए हैं। थोड़े से इसमें नमक डाल देती हूँ, जो मैंने नमक निकाला था। और थोड़े से घी डाल देती हूँ, इससे हमारे मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया। अब बॉयल आने तक इसको ढक देते हैं। ये हमारे पानी बॉयल हो चुके हैं। अब थोड़े थोड़े आटा करके हम इसमें चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसको इतना चला देंगे ये एक बराबर, कि ये सॉफ्ट रहे चलने में और इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए लम्स नहीं है, ये पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो ये देखिए हमारे ये मिक्स हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब इसे हम आटे को 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। ये 5-10 मिनट बाद पक जाएंगे थोड़े आटे अपने आप, और पानी जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, साथ में 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है, थोड़ी सी इलायची डाली है। अब मैं हल्का सा मेवा डालती हूँ जो मैंने क्रश किया है, उसको हल्का सा भून लेती हूँ। हल्का भूनने के बाद से तो थोड़े हल्के से ये रोस्ट हो जाए, फिर मैं इसमें गुड़ डालूंगी। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो फिर मीठा ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा गुड़, जितना आपको ज़रूरत हो मीठे में। साथ में मैं ये नारियल डाल देती हूँ और इसको हम एक बराबर चला लेते हैं। ये तब तक चलाएंगे जब तक इसके पानी जो है पूरी तरह से सोख ना ले। तो इसको कंटिन्यू चलाते हैं धीमी आंच पे थोड़े। मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, तो आप भी एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करना। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मोदक पक चुके हैं, तो अब हम इसे गैस को बंद कर लेते हैं और इसे हम बाहर निकाल देते हैं ये ठंडा होने के लिए। पांच मिनट
मिनट हो चुके हैं और ये हमारे आटे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और पूरा सोख लिया है आटा का पानी। तो चलिए अब हम लोग इसको निकाल के, ये बहुत ही गर्म है इसलिए इसको हाथ से तो मला नहीं जाएगा, तो मैं थोड़े देर के लिए मैसर यूज करूंगी। देखिए घी लगा दिया है और उसके बाद से मैं इसे मैश करती हूँ। इससे क्या होंगे, थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे और जो मोदक में थोड़े भी कहीं लम्स होंगे वो निकल जाएंगे और हाथ भी गर्म है, चावल के आटे भी गर्म है, सॉरी। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये पूरी तरह से हो गए हैं लेकिन काफी गर्म है। देखिए हमारे आटे तैयार हो गए हैं, अब हम इसके लोई काट लेते हैं, कट कर लिए हैं। अब मैं इसे गोल कर लेती हूँ हाथों से, हल्का सा देसी घी भी लगा सकते हैं। अब मैं इसको हल्के हाथ से दबा के हल्का हल्का गोल करती हूँ ऐसे। ये आप धीरे धीरे दबाइएगा, बीच में थोड़ा मोटा रखिएगा, साइड साइड में थोड़ा पतला रखते जाइएगा। ये देखिए थोड़े और पतले कर दीजिएगा साइड के। ये देखिए हमारे फट नहीं रहे हैं क्योंकि मेरा आटा बहुत ही अच्छा बना है। अब हम फिलिंग भरते हैं, फिलिंग हम थोड़ा सा लेंगे। ये देखिए मैंने फिलिंग को भर लिया, अब इसको हल्का हल्का दबाते हैं साइड साइड से थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ये देखिए बहुत स्मूथली आराम से ये बन जाता है, तो आप आराम से भरना। उसके बाद से इसको हल्के हल्के हाथों से एक साइड से हम दबाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे मोदक रेडी हो गए हैं, हम इन्हें रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा बनाते हैं। एक हम मशीन वाला आपको दिखा देते हैं कैसे बनाते हैं इसको। ज़्यादा भरेंगे क्योंकि हमारे मशीन वाले हैं तो मशीन में फीलिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब हम इसको मशीन आपको आराम से मिल जाएगा कहीं भी। देखिए तो ये देखिए हमारे मोदक इसमें मशीन वाले में रेडी हो गए हैं। अगर आपको हाथ से ना आए तो ये मोदक आप मशीन से भी बना सकते हैं। फिर बनाते हैं एक और, तो सेम प्रोसेस यही। उसके बाद से हल्का सा इसको दबा लेते हैं साइड साइड का। फिलिंग इसमें थोड़ा ज़्यादा भरेंगे, मशीन वाले में थोड़ा ज़्यादा बनता है। उसके बाद से हम इसको दबा लेते हैं और अब हम इसको तो ये देखिए मोदक हमारे रेडी है मशीन के। अब एक हाथ से बना के और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने हाथ से राउंड कर लिया, उसके बाद से हल्का हल्का ये हम दबाएंगे। फ्रेंड्स आपको अगर दिक्कत होगा बनाने में तो आप मशीन का इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा अगर आपसे आपको ये चावल के आटे को दिक्कत होगी, गीला आपको महसूस होगा, तो आप उसको कम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके वो करिएगा। फ्रेंड्स मेरे मोदक बन चुके हैं, अब मैं इसे स्टीम करती हूँ। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया भगोने में, साथ में मैंने इसमें स्टीमर के लिए ये लगा दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो अब हम इसको, पानी बॉयल हुआ है, अब हम रख देते हैं इसको। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, और इसे कम से कम 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। कुछ हाथ से बने हुए हैं, कुछ मशीन से बने हुए हैं।
देखिए हमारे मोदक तैयार हो गए हैं और ये काफ़ी फूल के बड़े भी हो गए हैं और बहुत ही अच्छा बना है इसको। अब हम लोग गैस को बंद कर देते हैं और करीब 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए हमारे मोदक तैयार हो गए हैं और ये काफ़ी फूल के बड़े भी हो गए हैं और बहुत ही अच्छा बना है इसको। अब हम लोग गैस को बंद कर देते हैं और करीब 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम प्लेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स मोदक हमारे रेडी हैं, देखिए कितना खूबसूरत बना है। तो आप भी घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। तो मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि जो भी मैं बनाती रहूं वो आपको अप टू डेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।